आदरणीय प्रधानाचार्य, सम्मानित अतिथिगण, प्रिय शिक्षक और मेरे सहपाठी, मैं आप लोगों के समक्ष इस स्वतंत्रता दिवस पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। गलतियों पर ध्यान न देवें। स्वतंत्रता दिवस के इस महत्वपूर्ण और गौरवान्वित करने वाले अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से भारत स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त का यह दिन हम सभी भारतवासियों को उन असंख्य वीरों की याद दिलवाता है जिन्होंने राष्ट्र की गरिमा और हित के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। साथ ही स्वतंत्रता दिवस इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि देश और इसकी कालजयी संस्कृति के रक्षण की जिम्मेदारी अब हमारी है। हमारा ध्यान इस ओर होना चाहिए कि हमने देश की तरक्की में किस तरह योगदान दिया है, इसके वैभव एवं संपदा को संजोए रखने में किस तरह अपने कदम बढ़ाए हैं, हमारा जीवन किस प्रकार देश के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। मेरे विचार में अगर हम देश की बजाय केवल स्वयं के लिए जी रहे हैं तो हमारा आचरण स्वार्थ से भरा है। यहाँ मैं किसी सम्मानित कवि की सुप्रसिद्ध पंक्तियाँ दोहराना चाहूँगा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वतंत्रता केवल एक दिवसीय समारोह नहीं है, ये दिन हमारे देश के प्रति हमारे कर्तव्यों का प्रतीक है। हमारे पूर्वजों ने बड़ी ही हिम्मत और मेहनत से हमें एक स्वतंत्र जीवन का उपहार दिया है। अतः भारत देश की गरिमा और सुरक्षा को बनाए रखना हमारा कर्तव्य होना चाहिए और इस कर्तव्य का निर्वहन प्रतिदिन होना चाहिए, अन्यथा केवल एक दिन की राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रभक्तों को याद करना बेईमानी होगी। दिल में भरा है प्यार, मन में उनके लिए सम्मान है, जो सारे जहां से अच्छा है वो हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत।